गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडेज टॉपिक इज कैपिटल स्ट्रक्चर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का है, इसके कॉन्सेप्ट और डिटरमिनेंट्स है ये हमारा टॉपिक। इसमें सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम कोटेशन करेंगे। और कोटेशन क्या है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। बेटा, किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा मैक्सिमम लेवल का होता है, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है उतनी बढ़िया होती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम लेवल का होना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब होता है ना ज़्यादा और ना कम, ताकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। क्या? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मैक्सिमाइजेस द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। उसके बाद बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग है, इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म के फंड के, लॉन्ग टर्म के जितने भी सोर्सेज हैं उसके फंड के रिलेटिव प्रपोर्शन को किसका नाम दिया जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर से सुन लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म के फंड के अलग अलग सोर्सेज के रिलेटिव प्रपोर्शन को कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड क्लियरली द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज एसेंशियल टू नो द मीनिंग ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स। कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट के मीनिंग पता होने चाहिए। एक तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मीनिंग पता होना चाहिए और एक कैपिटलाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। इन दो के मीनिंग जब हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बेटा, इस कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए ये दो कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, जिसमें पहला है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? इट रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के कंपोजिशन को फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। इसका मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का जो कंपोजिशन है उसमें बेटा दोनों तरीके की सोर्सेज की कैपिटल को डाला जाता है। लॉन्ग टर्म के सोर्स की कैपिटल भी और शॉर्ट टर्म के सोर्स की भी कैपिटल। इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म के सोर्सेज और शॉर्ट टर्म के सोर्सेज के जो कैपिटल है वो दोनों को इसके अंदर क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है? कैपिटलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? लॉन्ग टर्म के सोर्सेज का जो एग्रीगेट होता है, लॉन्ग टर्म के सोर्सेज का जो सम टोटल होता है उसे किसका नाम दिया जाता है? कैपिटलाइजेशन का। अब ये कैपिटलाइजेशन निकालते कैसे हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल सोर्सेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बट रिमेन्स इज कैपिटलाइजेशन। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से शॉर्ट टर्म के कैपिटल सोर्सेज को यदि निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो जो रिमाइंडर बचता है, जो बैलेंस बचता है उसे किसका नाम दिया जाता है?
कैपिटल, इसे क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अब बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये मैंने पहले भी बताया था। क्या? इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म की कैपिटल के अलग अलग सोर्सेज के रिलेटिव प्रोपोर्शन को कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। अब बेटा कंपनी को जो पैसे की जरूरत होती है बिजनेस में, इट इज मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सम सोर्सेज। बिजनेस को पैसे की जो जरूरत है वो कुछ सोर्सेज से आता है, आप सबको पता है। इक्विटी शेयर कैपिटल से भी आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी यहाँ रोल प्ले करती है, बोरोड कैपिटल भी होता है यहाँ, रिटेन्ड प्रॉफिट भी होता है, करंट लाइबिलिटीज भी होती है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन तीन कॉन्सेप्ट के बाद, डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। डेब्ट कैपिटल को और इक्विटी शेयर कैपिटल को दो कॉन्सेप्ट पे हम देखेंगे, क्या? कॉस्ट और रिस्क पे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इज लेस देन द इक्विटी कैपिटल। डेब्ट कैपिटल के खर्चे इक्विटी कैपिटल से कम आते हैं। इट्स मेन रीजन इज दैट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लेंडर्स इज लेस रिस्की। इसका मतलब लेंडर्स पॉइंट व्यू से ये जो है कम जो है रिस्की होता है, इसके खर्चे क्या आते हैं? कम आते हैं। ऑन द अदर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज द मोस्ट कॉस्टली। दूसरी तरफ जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। वन इवन द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट सर्टेन। इसके ऊपर डिविडेंड का रेट भी सर्टेन रेट नहीं होता। डिविडेंड भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को सर्टेन रेट से नहीं दिया जाता। लास्ट में जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास आता है, जो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, और कई बार तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को लगाने के बाद डिविडेंड कुछ भी नहीं मिलता। तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड अनसर्टेन रेट से दिया जाता है, रेट उनका सर्टेन नहीं होता। इट्स रीजन इज दैट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस इज मोस्ट रिस्की। अब बेटा इक्विटी शेयर होल्डर एज अ इन्वेस्टर जब लगाने के बाद भी उनके घर में सर्टेन रेट का डिविडेंड नहीं आता, तो एज अ इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्टर जो है उनके लिए रिस्क क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं। डेब्ट कैपिटल के रिस्क कम होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर के रिस्क क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं। डेब्ट कैपिटल जो है वो कॉस्टली भी नहीं होती है, डेब्ट कैपिटल कॉस्टली भी नहीं होती, लेस रिस्की होती है। डेब्ट कैपिटल पे रिस्क कम है और इक्विटी शेयर कैपिटल के रिस्क क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं। डेब्ट कैपिटल पे फिक्स रेट का इंटरेस्ट किया जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर को कभी भी फिक्स रेट का डिविडेंड नहीं दिया जाता। इनका डिविडेंड का रेट क्या होता है? अनसर्टेन होता है। आगे डेब्ट कैपिटल इन द बिजनेस इज मोर रिस्की बिकॉज द लेंडर्स कैन फाइल अ रिक्वेस्ट विद द जुडिशरी फॉर द क्लोजर ऑफ द कंपनी इन केस दे डू नॉट गेट देयर इंटरेस्ट एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड। अब बेटा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रिस्क होते हैं, इन्वेस्टर पॉइंट नहीं बता रही। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से डेब्ट कैपिटल रिस्की कैसे है? यदि कंपनी वाले डेब्ट कैपिटल को फिक्स रेट का इंटरेस्ट नहीं देते तो डेब्ट कैपिटल वाले इन्वेस्टर कंपनी को कोर्ट में घसीटने की धमकी देते हैं और कंपनी को बंद कराने की भी कई बार नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि डेब्ट कैपिटल पे कंपनी वालों को फिक्स रेट का इन्वेस्टर को इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है। तो
तो यहाँ पर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से डेट कैपिटल जो है रिस्की होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को डेट कैपिटल पे फिक्स रेट का इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो चाहे कंपनी लॉस में जा रही हो। अब बेटा आगे क्या कह रहा है, दिस राइट इज नॉट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये राइट इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर को तो कंपनी वाले लास्ट में कुछ बचता है तब देते हैं, बचेगा तो देंगे नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं मिलता। इक्विटी शेयर होल्डर के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो कंपनी को कोर्ट में घसीटे, लेकिन ये राइट डेप्ट कैपिटल वालों को मिला हुआ है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं है। देयर इज नो रिस्क टू द कंपनी फ्रॉम देयर साइड। कंपनी को यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर की साइड से किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं है। अब बेटा इक्विटी और डेप्ट कैपिटल कॉस्ट वर्सेस रिस्क के ऊपर एक बॉक्स में भी बनाकर दिखाया गया है। क्या? इक्विटी और डेप्ट कैपिटल का कॉस्ट वर्सेस रिस्क के ऊपर क्या दिखाया गया है? फॉर इन्वेस्टर दिखाया हुआ है, फॉर कंपनी दिखाया हुआ है। फॉर इन्वेस्टर में क्या दिखाया हुआ है? रिटर्न और रिस्क एसोसिएटेड दिखाए हुए हैं। फॉर इन्वेस्टर क्या दिखाया हुआ है? रिटर्न क्या है और रिस्क एसोसिएटेड क्या है। डेप्ट कैपिटल पे फॉर इन्वेस्टर रिटर्न है लो और डेप्ट कैपिटल पे रिस्क एसोसिएटेड भी क्या है? फॉर इन्वेस्टर लो है। फॉर इन्वेस्टर इक्विटी कैपिटल पे रिटर्न है हाई और रिस्क एसोसिएटेड भी इक्विटी कैपिटल पे फॉर इन्वेस्टर क्या है? हाई है। फिर से सुन लीजिए, फॉर इन्वेस्टर रिटर्न और रिस्क एसोसिएटेड, डेप्ट कैपिटल के रिटर्न है लो, रिस्क एसोसिएटेड भी लो है। इक्विटी कैपिटल पर रिटर्न है हाई, रिस्क एसोसिएटेड भी हाई है, दोनों सेम है। फॉर इन्वेस्टर डेप्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल क्या रिटर्न लो है, रिस्क एसोसिएटेड भी लो डेप्ट कैपिटल के, लो लो डेप्ट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल पे रिटर्न भी हाई, रिस्क एसोसिएटेड भी क्या हाई। अब फॉर कंपनी ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पॉइंट पे लेंगे और रिस्क एसोसिएटेड लेंगे। डेप्ट कैपिटल पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो है और डेप्ट कैपिटल पे रिस्क एसोसिएटेड क्या हाई है। इक्विटी कैपिटल पे ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है और रिस्क एसोसिएटेड क्या है? लो है। फिर से सुन लीजिए, फॉर कंपनी जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिस्क एसोसिएटेड में डेप्ट कैपिटल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो है, रिस्क एसोसिएटेड हाई है। इक्विटी कैपिटल पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है और रिस्क एसोसिएटेड भी हमारे क्या है? लो है। इसका मतलब ये ऑपोजिट चल रहे हैं, ये सेम नहीं है। ये तो था फॉर कंपनी और ये क्या है? फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का जो लिया गया है वो रिटर्न और रिस्क एसोसिएटेड पे है, कंपनी का जो है वो किसके ऊपर है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिस्क एसोसिएटेड। क्या डेप्ट कैपिटल पे इन्वेस्टर का रिटर्न है लो, रिस्क एसोसिएटेड भी लो। इन्वेस्टर की बात हो रही है, इक्विटी कैपिटल का रिटर्न है हाई, रिस्क एसोसिएटेड हाई। फॉर कंपनी पे डेप्ट कैपिटल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो है, डेप्ट कैपिटल पे रिस्क एसोसिएटेड हाई है। इक्विटी कैपिटल पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ध्यान से देखो हाई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिस्क एसोसिएटेड क्या है? लो है। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने क्या किया, कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट में सबसे पहले कोटेशन किया है। कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट किए हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन। फिर मीनिंग दोबारा से बताया, फिर डेप्ट कैपिटल और
कैपिटल है ये फॉर इन्वेस्टर और फॉर कंपनी में डायग्राम में जो बॉक्स में दिखाया गया है कॉस्ट वर्सेस रिस्क, हमने ये टॉपिक किया। थैंक यू।